नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर क्लास स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में। आज मैं बात करने वाला हूँ एनसीडीसी के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एनसीडीसी है ये है क्या। इसका नाम है नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जी हाँ, ये इसका नाम है। और सबसे पहले मैं आपको और एक बात और बता दूँ, ये जो वैकेंसी निकली है ये ग्रेजुएशन बेस पर निकली है, ठीक है। कुछ के लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ के लिए एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए सिर्फ कंप्यूटर का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पर सबसे पहले इसका नाम है सीनियर असिस्टेंस, फिर दूसरा नाम है सीनियर पर्सनल असिस्टेंस, यहाँ पे तीसरा नाम है पर्सनल असिस्टेंस, फिर है जूनियर असिस्टेंट, और एक अदर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली। तो मैं सब कुछ बताऊंगा आपके लिए, आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देख लेकर, इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें, इस वीडियो को मिस ना करें। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि एनसीडीसी नेशनल कॉरपोरेटिव वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 के बारे में हम इसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है इसमें 70 है, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में देख लेते हैं। यह 7 जुलाई 2018 से फॉर्म निकल चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वह है 6 अगस्त 2018 शाम के 5 बजे तक है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसकी पेमेंट करने की वह भी 6 अगस्त 2018 है और शाम को 5 बजे। अब एडमिट कार्ड की बात करते हैं, एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं, तो इन्होंने अभी डेट नहीं दी कि कब आएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो होगी वह अदर पोस्ट के लिए और जनरल ओबीसी के लिए जो होगी वह 750 रुपये होगी, जबकि इस पोस्ट के लिए जो होगी वाइस डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो जनरल और ओबीसी के लिए होगी वह 1200 रुपये होगी, ठीक है। एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट की बात करें तो इसमें 0 रुपये फ़ीस है, कुछ फ़ीस नहीं है इनके लिए। और पेमेंट मोड हम बता दें आपको किस तरीके से काटना है, आपको नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड और बैंक चलान के थ्रू आप इसको काट सकते हो सब। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो होगी इसमें कैलकुलेट होगी ऑन 15 जुलाई 2018 से। अब और अदर के लिए इसमें नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको नोटिफिकेशन में किस तरीके से जाना है। सबसे जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको बेल आइकन भी दबा दें ताकि इससे आने वाला अगला नोटिफिकेशन वो आप तक पहुँच जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। तो इसकी पोस्ट है सबसे पहले सीनियर असिस्टेंट। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वह 26 है। एज है लिमिट जो है इसकी वह 30 साल है और इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी 50% मार्क्स से, और इसमें कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है, ठीक है। और एससी एसटी कैटेगरी के लिए इसमें रिक्वायरमेंट है 45% से। अब बात करते हैं सीनियर पर्सनल असिस्टेंट। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वह 8। इसमें एज लिमिट जो है 28 है और इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और इसमें जो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड चाहिए वह 120 पर मिनट एंड स्पीच इन इंग्लिश टाइपिंग चाहिए इसमें 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में चाहिए वह 100। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इंग्लिश या हिंदी होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, शॉर्ट हैंड में चाहिए इसके, ठीक है। जो हिंदी की शॉर्ट हैंड चाहिए वह 100 वर्ड पर मिनट चाहिए एंड स्पीच जो चाहिए है हिंदी की टाइपिंग में, ठीक है, वह 30 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इसमें पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट में इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो 4 हैं वह एज लिमिट है 27, ठीक है। कैंडिडेट को जो है शॉर्ट हैंड की ज़रूरत पड़ेगी वह भी 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, और टाइपिंग की स्पीड चाहिए इसमें 40 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 10 और 28 इसकी एज लिमिट है। इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज चाहिए, ठीक है। और अदर पोस्ट के लिए जो है इसमें 22 वैकेंसी है, इसमें पोस्ट वाइज वैकेंसी है, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है कि आप इसको नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है और आपको आपकी पोस्ट के बारे में किस तरीके से जानना है, क्योंकि ये शुरू वाली जो वैकेंसी है इनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको किस तरीके से डाउनलोड करना है, यहाँ पर जाना आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी, ठीक है, या मैं इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे डाउनलोड, ठीक है, तो इस पर इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे डाउनलोड का नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, तो आपको क्या करना है, ये डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा नोटिफिकेशन इसका खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इसका नोटिफिकेशन को। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जितनी भी पोस्ट हैं इसके लिए किसी के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और किसी के लिए नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये शुरू की पोस्ट हैं, ये इनके लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन आपका नीचे जो है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट किस में नहीं पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी एक्सपीरियंस की, जो पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसमें सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, ना ही इसमें सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में ज़रूरत पड़ेगी।
और ना ही पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट, यानी कुल मिला के जितनी भी असिस्टेंट की वैकेंसी हैं, ठीक है, जितनी भी असिस्टेंट की वैकेंसी हैं इनमें रिक्वायरमेंट एक्सपीरियंस की नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इसकी वेबसाइट का भी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इसको फॉर्म को देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म को फिलअप करने की, आपको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिखा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके सामने वाले लिंक को क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नई टैब खुल के आएगी, जहाँ पे लिखा होगा ऊपर ही नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। जब आप नीचे लेकर आओगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखा हुआ एग्री, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करो ना, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से एक नई टैब खुल के आ जाएगी, जिसमें परसेंटेज सी चल के भी आएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक है, और नीचे लेकर आना पड़ेगा, यहाँ से आपको पोस्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कि कौन सी पोस्ट है। सपोज़ करो हमने ये डाल दी, ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप ये डाल दोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो हमने जैसे यहाँ पे डाला डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर डालते के साथ में यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पोस्ट कोड, फिर यहाँ पे क्या आएगा, कैंडिडेट का नेम आएगा, फिर नीचे आएगा मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, फिर यहाँ पे दोबारा मोबाइल नंबर डालना है, वही कन्फर्म करना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है, फिर दोबारा कन्फर्म करनी है ईमेल आईडी, ठीक है, फिर नीचे लेके आना और यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है, तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो ये था इसके बारे में, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ हमारी इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा वो चाहिए, जैसे जैसे बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है कि सर इस पे वीडियो बना दीजिएगा, इस पे वीडियो बना दीजिएगा, तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हो, हम उस पे वीडियो बना देंगे, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूँ, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करके मालूम भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूले, धन्यवाद।